ठीक है, तो कल हम लोग रूट और स्टेम देखे थे, आज हम लोग को देखना है लीफ पत्ता। ठीक है, सो लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। आप देखे होंगे इसको, पत्ते को। ठीक है, सो इट डेवलप्स एट द नोड। कहाँ डेवलप हो रहा है? नोड पे। ठीक है, एंड बियर्ड्स अ बड इन इट्स एक्सल। तो हम आपको कल बोले थे कि ये सब आज आप सुबह में जाके गार्डन है घर में अगर या बगल घर में तो घूम के देखिए कैसा होता है, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। ठीक है, तो ये जो एक्सिल में जो बड डेवलप हो रहा है उसको हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये एक्सिलरी बड क्या बन जाएगा? ब्रांच यानी शाखा बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि लीफ कहाँ डेवलप होता है? नोड पे। एक्सिलरी बड क्या बनता है? ब्रांच बनता है। ठीक है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिकल फैशन, सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात? तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या समझना है? एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल का मतलब होता है जब किसी भी मतलब ये पत्ता वत्ता या फिर जो भी है उसका अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है या जो बेस है उसके ऊपर होगा, मतलब अपवर्ड। मतलब ये अगर बेस है तो अपवर्ड ऐसे। ठीक है, तो एक्रोपिटल का मतलब हो गया, एक्रोपिटल मतलब अपवर्ड फ्रॉम द बेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो ऊपर की तरफ वो ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ग्रोथ। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, समझ में आया एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब? yes, और इसी का एक दूसरा वर्ड होता है ऑपोजिट, उसको बोलते हैं बेसिपिटल। तो बेसिपिटल का मतलब होता है ये वो अपवर्ड था तो ये है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बेस, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बेस और पॉइंट ऑफ बेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है ये अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक का एक्रोपिटल का ग्रोथ ऊपर हो रहा है, बेसिपिटल का टुवर्ड्स द बेस, तो ये एक्रोपिटल हो गया और ये बेसिपिटल हो गया, ये मतलब है। समझ में आ गई बात? सो अ टिपिकल लीव कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ठीक है, तो पत्ता आपको ऐसे दिखेगा। आपको आपको यहाँ क्या दिख रहा है? लीफ का बेस दिख रहा है ये, जो कि क्या बोलते हैं बेस एरिया फॉर द लीफ। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये जो पतला सा एक है उसको बोलते हैं पीटियोल, और उसके बाद आपका आता है ये वाला पार्ट लैमिना। तो तीन पार्ट है, बेस, पीटियोल और लैमिना। यहाँ डायग्राम देखिए, ये जो पार्ट है बड़ा वाला पार्ट ये लैमिना है, ये पतला सा जो आपको डंडा टाइप का दिख रहा है डंटल, ये पीटियोल हो गया। और जहां पे वो एक्सिलरी बड के पास टच कर रहा है वो आपका लीफ का बेस हो गया। ठीक है, तो इसको आप जब तक देखिएगा नहीं हाथ में लेके तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। यहाँ पे देखिए लीफ किससे अटैच्ड है? स्टेम से, लीफ बेस से। एंड दे बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे आपको मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल्स। अगेन आपको गार्डन में जाके सब देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर। इन मोनोकॉट्स
The leaf base expands into a sheath covering the stem partially or fully. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen. और उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं पल्बिनस. ठीक है, तो ये सब जो टर्म है ये सब आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं है. अब आप समझिए जो लीफ बेस की कहानी बताई जा रही है. तो मोनोकॉट में क्या हो रहा है, ये लीफ बेस शीथ में एक्सपैंड कर रहा है और ये जो स्टेम है इसको थोड़ा सा कवर कर लेगा. स्टेम है ये, इसको कवर कर लेगा. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे चना वना का प्लांट होता है, ठीक है, पी ग्राम उस टाइप के प्लांट, तो उसमें जो लीफ बेस है वो स्वेल कर जाता है. लीफ बेस स्वेल कर जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्बिनस. ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है पल्बिनस, जो कि आपको मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, जो भी बीन फैमिली है लेग्यूमिनोसी फैमिली वहां पे आपको ये मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि टर्गर चेंजेस कहाँ मिल रहे हैं जिससे कि लीफ में मूवमेंट शो हो. तो वो टर्गर चेंजेस जो है वो पल्विनस में मिल रहा है. ठीक है, तो ये बाद में बताया जाएगा पल्विनस. तो टर्गर चेंजेस, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है. तो आप देखिए यहाँ लीफ में आपका तीन चीज नजर आ रहा है. स्टेम से सटा हुआ पार्ट जो है वो बेस कहलाता है. बेस में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकले मिल सकते हैं जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं. फिर एक डंटल टाइप का चीज आपको मिलेगा जिसको पिटियोल बोलेंगे. एंड फाइनली ब्लेड या फिर लैमिना आपको मिलेगा. ठीक है, ये जो बेस है ये मोनोकॉट में आपका एक्सपैंड करके इस जो स्टेम है उसको कवर कर सकता है. और फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली में वो क्या है, स्वेल करके आपको पल्विनस बनाता है. ठीक है, which is responsible for turgor changes. ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है. पीटियोल का काम क्या है, ये जो पीटियोल है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है ब्लेड को. ठीक है, तो हवा बहेगी तो हिलेगा वो पीटियोल. ठीक है, तो पीटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाई. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ. ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे हवा बहेगी तो पत्ते हिलेंगे, तो पत्ता हिलेगा कैसे, उस पीटियोल की मदद से हिलेगा. ठीक है, मतलब समझ जाइए कि वो पंखा झल रहा है. इस टाइप से स्ट्रक्चर नेचर ने बनाया है. ठीक है, सो द लैमिना और द लीफ ब्लेड. अब ये वाला देखिए जो लीफ ब्लेड है, दिस इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद बीन्स एंड इनलेट्स. अब इसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि नाड़ियां है अंदर, वीन्स. ठीक है, पत्ता उठा के देखिएगा, उसके अंदर आपको लगेगा कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा है. फिर ऐसे 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 आपको मिलेगा पत्ते में. ठीक है, ये पत्ता है आपका, मान लेते हैं आपका पत्ता है ऐसा, तो आपको ऐसा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. तो उसको बोलते हैं बीन्स एंड बीनलेट्स. ठीक है, समझ में आ रही है बात. और ये हरा है. ठीक है, so there is usually a middle prominent bean which is known as the midrib. अब इसके बीच में ये मान लीजिए आपका पत्ता है, ये जो बीच वाला जो रहता है prominent जो दिख रहा है उसको हम लोग midrib बोलते हैं. तो prominent bean is called midrib. ये भी exam में पूछ सकते हैं. Now veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels for transport of water, minerals, food materials. तो उस बीन्स और विनलेट का काम क्या है, वहां से पानी मिनरल और फूड मटेरियल जो भी है सुक्रोज वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, नाइट्रोजन ये सब. द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन. अब ये सब जो पत्तों का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हर एक पौधे में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा. तो गार्डन में जाइए, आम का पत्ता उठाइए, अमरूद का पत्ता उठाइए, और भी जितने भी है फूल वाले फूलों के पौधे होंगे, सारा पत्ता उठा के
दस बारह टू पत्ता उठा के देख लीजिए कि उनके पत्ते में कैसा चेंजेस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल यहाँ पे सिर्फ यही जानने के लिए, बट जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको लीफ का ये इंट्रोडक्शन समझ में आया, लीफ बेस का फंक्शन समझ में आया, पिटियोल का फंक्शन, लैमिना का फंक्शन, पल्विनस का मतलब, ठीक है, मिडरिब का मतलब। हेलो, यस सर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात विनेशन की। तो जब आप पत्ता उठाइएगा ना, तो पत्ता को आप देखिएगा तो आपको जो पत्ते हैं इस टाइप के दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ बीन्स, आप जो अंदर में जो बीन्स है और बिनलेट्स जो आप देखोगे लीफ लैमिना में, उसको हम लोग बोलते हैं विनेशन। अब वो विनेशन दो तरीके का हो सकता है। सो द बिनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, द विनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क बना रहा है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। When the beans run parallel to each other, अब यहाँ पे देखिए parallel type का है, ये आप ऐसा है पत्ता, ये midrib है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 इस टाइप का पत्ता, तो इसको हम लोग बोलते हैं parallel विनेशन, ठीक है। तो ये वाला आपको रेटिकुलेट जो है नेटवर्क जो बन रहा है दैट इज सीन इन डाइकॉट, और ये आपको मिलता है ज्यादातर मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो मोनोकॉट में मिलेगा ये, ठीक है। तो बस यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है पैरेलल विनेशन का मतलब क्या है, कहाँ दिखेगा वो, तो मोनोकॉट में दिखेगा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, नॉट ऑल। और उसके बाद रेटिकुलेट विनेशन किसमें दिख रहा है, सो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो गया कि ये आपका पत्ता है, ये मिडरिब है, अब ये आपका नेटवर्क बना इस टाइप का, ठीक है। ये अपना ऐसे 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 ऐसे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट, मतलब दिस बीन्स और बिनलेट्स का नेटवर्क, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अब दूसरा है आपका वो है पैरेलल, ठीक है, इस टाइप से पैरेलल, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन, ठीक है। तो पैरेलल विनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स, रेटिकुलेट विनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट फॉर विनेशन, समझ में आई बात विनेशन का मतलब। जब तक पत्ता उठा के नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स, पत्ते कितने तरह के हो सकते हैं। सो लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इनसाइज द इंसीजंस डू नॉट टच द मिडरिब, ठीक है। व्हेन द इंसीजंस ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, देन द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ आप देखे होंगे कि वो कटा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब जो लीफ बेस है, जो लीफ मतलब लीफ ब्लेड जो है लैमिना, वो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। या तो फिर अगर कटा भी है तो वो वैसा नहीं कटा है कि सीधा जाके मिडरिब को टच कर रहा है, कहने का मतलब ये अगर पत्ता है ये मिडरिब है तो ऐसा भी कटना नहीं चाहिए कि कट के पूरा यहाँ मिडरिब को टच कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर पत्ते आप देखे होंगे सब आम वाम का ऐसा होल रहता है, मतलब ऐसे ही रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या है कि आपका इंसीजंस बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये वाला देखिए पत्ता, ये पत्ता देखिए, ठीक है, ये कंपाउंड लीव्स है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसीजंस है जो लीफ ब्लेड है लैमिना और वो मिडरिब तक गया हुआ है, आपको लग नहीं रहा है कि ये आपका ऐसा है होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो कट गया ऐसा, ऐसा कट गया, ऐसा कट गया, ऐसा कट गया, ऐसा कट गया, ऐसा कट, तो कट कट गया इंसीजंस है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो इस तरह का दिखेगा आपको। तो दीज आर ऑल कंपाउंड लीव्स,
So but is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. अब ये जो leaflet है आपका, इसके axil में आप मत खोजिए क्या bud, ठीक है? यहाँ पे आपको bud नहीं मिलेगा इन इनके axil, क्योंकि leaflets है. समझ में आ रही है बात? तो अगर पूरा पत्ता है तो उसको सिंपल लीफ बोलते हैं. अगर इंसीजन है, कटा हुआ है, कट 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 के वो मिडरिब को टच करता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं. ये कंपाउंड लीफ है आपका. अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह का होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है? पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब है कि नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड द रैचेस व्हिच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम का पत्ता. तो नीम का पत्ता उठाइए और देख लीजिए कैसा है. तो वो कैसा है, एक है मिडरिब, जिसको हम लोग यहाँ नया टर्म दिया है रैचेस. अब यहाँ पे पत्ता आपका एक पत्ता, लीफलेट एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इस सब तो बना हुआ है, ठीक है? और नॉर्मली पत्ते एक जगह से निकल रहे हैं, ठीक है? इसका भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो ये वाला हो गया. तो दिस इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है? तो मिडरिब जिसको हम लोग रैचेस बोल रहे हैं, उससे आप दोनों तरफ पत्ते पाएंगे. पत्ता क्या पाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लीफलेट, स्मॉल लीव्स, लीफलेट, ठीक है? उसका एग्जाम्पल भी है नीम. नीम का पत्ता खोजिए. अब देखिए, अब दूसरा वाला देखिए जिसमें हम लोग बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, वो ये वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे कॉमन अटैचमेंट पॉइंट है जहां से सारा पत्ता निकला है. ऐसे 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 ऐसे, तो ये पॉइंट कॉम, देयर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कॉमन पॉइंट, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉमन सेंटर है जहां से आपका सारे लिपलेट अरेंज निकल रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. और ये हो गया मेरा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. तो कंपाउंड लीफ जहां पे आपको इंसीजन मिल रहा है, वहां पे दो तरीके का अरेंजमेंट आपको मिलेगा. एक कॉमन रैचेस के तरफ आपको लीफलेट्स अरेंज मिलेंगे, इस टाइप से लीफलेट्स अरेंज है, जैसे कि नीम के पत्ते में मिल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड पिनेटली, पिनेटली कंपाउंड लीफ. और अगर एक कॉमन पॉइंट से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे पत्ते निकल रहे हैं, लीफलेट निकल रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है? तो दो हो गए. अब ये पिनेटली जो था उसका एग्जांपल नीम है, पाल्मेटली का आपका एग्जांपल सिल कॉटन दिया है, ठीक है? समझ में आई बात, पिनेटली और पाल्मेटली? हेलो. तो यही है आपका, जब तक आप इसको उठा के हाथ में नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी है तो देखना पड़ेगा ही आपको. नेक्स्ट टर्म आता है फाइलोटैक्सी. सो फाइलोटैक्सी का मतलब है फाइलो प्लस टैक्सी. नाम से पता चल रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट. टैक्सी टर्म आया मतलब अरेंजमेंट है. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ अ ब्रांच. तो किसी वृक्ष की शाखा पे जो स्टेम है उस पे पत्ते किस तरीके से अरेंज्ड है, उसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं. ये तीन तरीके से पत्ते अरेंज हो सकते हैं. पहला है अल्टरनेट, यहाँ डायग्राम भी आपको देखते चलना है. तो फर्स्ट वन इज अल्टरनेट, दूसरा है वो बोलते हैं ऑपोजिट, और तीसरा है आपका वर्ल्ड, ठीक है? तो इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी क्या होगा, ईच सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर. अब यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टेम है, एक पत्ता इधर निकला. अब इस नोड से दूसरा पत्ता नहीं निकलेगा, उसके थोड़ा हट के निकलेगा, वो इधर निकला, फिर हट के इधर निकला, फिर इधर निकला, मतलब अल्टरनेट है ये, एक पॉइंट से नहीं निकल रहा है. इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. समझ में आई बात, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब एक पॉइंट से नहीं निकल रहा, अल्टरनेट पॉइंट. ये अल्टरनेट मैनर आपको कहाँ मिलेगा, अगर आपने घर में चाइना रोज लगाया है, मस्टर्ड या सनफ्लावर प्लांट लगाया है, वहां पे देखिए
मस्टर्ड प्लांट में आपको इस टाइप का फाइलोटैक्सी मिलेगा, चाइना रोज में मिलेगा, सूर्यमुखी जो है सनफ्लावर उसमें मिलेगा। तो ये सब दो तो लगाते हैं लोग, चाइना रोज भी लगाते हैं, सनफ्लावर भी लगाते हैं, तो देख सकते हो इन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या है। यहाँ पे आप डायग्राम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा तो अपोजिट फाइलोटैक्सी, मतलब एक ही नोड से दो तो पत्ता निकल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक ही जगह से यहाँ से पत्ता निकला, फिर उसी पॉइंट से दूसरा पत्ता भी निकलेगा, ऐसे एक ही नोड से अपोजिट डायरेक्शन में दो पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अमरूद का पत्ता आप उठा के देखिए, वो इस टाइप के आपको मिलेगा। तो एक स्टेम तोड़िएगा गुआवा का और देख लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया है कैलोट्रॉपिस, तो ऑल एग्जाम्पल मस्ट बी लर्न बाई हार्ट, ठीक है। तो जैसे हमने बोला मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, सो दैट इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सिमिलरली अपोजिट फाइलोटैक्सी सीन इन गुआवा एंड कैलोट्रॉपिस। अब एक तीसरा तरह का फाइलोटैक्सी है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है गुच्छा में निकलना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि दो पत्ता यहाँ पे निकल रहा था एक ही नोड से, लेकिन अगर यहाँ दो से ज्यादा पत्ते निकल रहे, चार पांच छह सात, इस टाइप का जैसे कि गुच्छे बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो दिस इज सीन इन ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब ये आपका है, ये नोड है। अब इस नोड से आपके बहुत सारे पत्ते निकले, एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, चार पत्ता, पांच पत्ता, छह पत्ता, इस टाइप से, मतलब ये गुच्छा बना दिया होल, ठीक है। तो व्हेन टू मोर देन टू लीव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल नोड, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ गुच्छा होल, देन इट इज कॉल्ड वोरल टाइप। एन एग्जाम्पल इज अल्स्टोनिया। तो काफी आसान है फाइलोटैक्सी समझना। फाइलोटैक्सी समझना क्या है, अब यहाँ डायग्राम से ही आप समझ लीजिए। पहला वाला देखिए, दिस इज ऑल्टरनेट, मतलब स्टेम पे पत्ता एक के बाद एक ऑल्टरनेट पोजिशन पे वो निकल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। दूसरा में आइए, एक ही नोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में दो पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है, एक इधर एक उधर। सो दिस इज सीन इन गुआवा एंड कैलोट्रॉपिस। तीसरा आप देखिए, दिस इज कॉल्ड वोल्ट, मतलब एक ही नोड से चार पांच छह पत्ते निकल सकते हैं, मतलब मोर देन दो, दो से ज्यादा निकलेंगे तो वो गुच्छे की तरह दिखेगा, सो दैट इज कॉल्ड वोल्ट फाइलोटैक्सी एंड इट इज सीन इन ऑल्टरनेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आई बात। समझ में आ गई गाइस फाइलोटैक्सी। यस सर। अब आपको समझना है, अब चूंकि पत्ते, पत्तों की हम जानकारी ले रहे हैं, तो इनमें भी मॉडिफिकेशंस होगा, तो मॉडिफिकेशंस, अब पत्ता कैसे मॉडिफाई करता है, सो दे आल्सो मॉडिफाई जस्ट लाइक रूट्स एंड स्टेम्स टू परफॉर्म वेरियस अदर काइंड ऑफ फंक्शंस। लेकिन पत्तों का प्राइमरी फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दे आर कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, यहाँ देखिए, तो लीफ टेंड्रिल की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या है, मटर का अगर आप पौधा देखिएगा तो वहां पे देखिएगा इस टाइप का, सो लीफ आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज सीन इन पीस। या तो फिर स्पाइन, लीव्स जो है स्पाइन में बदल जाएंगे, सो दिस इज सीन इन कैक्टस। कैक्टस प्लांट आप देखिए, उसमें जो पत्ते हैं वो कांटा बन जाता है, स्पाइन। उसके बाद देखिए ओनियन, प्याज उठाइए और देखिए वहां पे क्या, जो फ्लैशी लीव्स है ओनियन के और गार्लिक के, दे स्टोर फूड, यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। गार्लिक, लहसुन और ओनियन, प्याज उठाकर देखिए वो क्या है, पत्ते हैं जो कि फूड स्टोर कर रहा है, ठीक है। कभी कभार आप उसको हटाते भी हो ऊपर से, ठीक है। सो इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया,
The leaves are small, short-lived. Petioles in them expand and become green and synthesize food. ठीक है, अब ये भी एक चीज है, मॉडिफिकेशन है. ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में क्या हो रहा है, पत्ते छोटे होते हैं और थोड़ी दिन के बाद मर जाते हैं, तो भाई खाना कौन बनाएगा? ठीक है, तब पीटियोल्स उसका जिम्मेदारी ले लेता है. तो पीटियोल्स दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग फूड, स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. ठीक है, ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. सो दिस इज आपका जिसमें लीफ जो आपका पीटियोल है वो फंक्शन कर रहा है एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, क्योंकि जो एक्चुअल पत्ता है वो थोड़े समय के बाद डिजेनरेट कर जाता है. ठीक है, तो आप यहां देख लिए टेंड्रिल कीज में, कैक्टस में स्पाइन के रूप में, प्याज और लहसुन में फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज, पीटियोल दे डू द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, और पांचवा आपका आ गया द लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिपोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप. तो वो भी क्या है, इस टाइप का पत्ता है, ये पत्ता. अब इसके यहाँ पे जैसे इंसेक्ट आके बैठा, मान लो कुछ भी मक्खी वक्खी आके बैठा, ये पत्ता क्या होगा, नीचे बंद कर लेगा और इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा. तो दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दे टेक इंसेक्ट्स. ठीक है, काफी अच्छा मैकेनिज्म है इनका. अभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप. ठीक है, तो दो एग्जाम्पल याद रखिए. अभी क्या, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है और इंसेक्ट्स में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस बन गया. ठीक है, तो पांच तरह का आपको मॉडिफिकेशन मिला. टेंड्रिल बना पीज में, कैक्टस बना, कैक्टस में स्पाइंस बन गया, ओनियन और लहसुन में, गार्लिक में वो फ्लैशी लीव्स स्टोरेज के लिए हो गया, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में पीटियोल फोटोसिंथेटिक हो गया, और उसके बाद पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप में वो इंसेक्ट को कंज्यूम करने लगा. ठीक है, ट्रैप करने लगा ताकि उसकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पूरी हो जाए. ये पार्ट समझ में आ गया आपको, मॉडिफिकेशन? यस सर. अभी तक देखिए कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि ये बोरिंग है, हम आपको बार बार कहेंगे, इसलिए एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझना इम्पोर्टेंट है और उसको समझना है. तो आप देखिए अभी तक आपको जो जो दो पन्ना पढ़ाएगा उसमें कोई ऐसा टर्म है जो आपको समझ में ना आया हो? हो गया, हो गई? कोई है डाउट? एनी डाउट सो फार? नो सर. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग चलते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि आप फूल देखे होंगे, जहां पे फूल पूरा गुच्छे में आपको फूल मिलेगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, या कंप्लीट फ्लावर हेड आप बोलिए उसको.
complete flower head. या उसको सिंपल वे में कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, जहां पे भी जैसे ये एक्सिस है आपका, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका सारा फूल अरेंज है, यहाँ देखिए. सो दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. जो फ्लावर है क्या, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम. ठीक है, आपका शूट चेंज हो रहा है किसमें, एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल. ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन है जो कि आपको बाय हार्ट करना होगा. इंटरनोड्स डू नॉट इलांगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. ये जो नोड के बीच की दूरी जो होती थी ये इलांगेट नहीं कर रहा है. ठीक है, समझ में आ रही बात. जो एक्सिस है वो कंडेंस, कंडेंस का मतलब छोटा हो जाना. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. तब यहाँ पे क्या है, पत्ता की जगह वो क्या बना रहा है, फ्लोरल अपेंडेजेस. तो नोड्स पे पत्ते निकलते थे, अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके, फ्लोरल अपेंडेजेस. तो when a shoot tip transforms into flower, it is always solitary. Solitary मतलब वो अकेले रहेगा, alone. ठीक है, शूट टिप किस में बन गया, पौधे में कन्वर्ट हो गया. और ये पौधा मतलब सॉरी फूल में कन्वर्ट हो गया. और ये फूल क्या होगा, अकेले होगा. ठीक है, यहां तक का मतलब समझिए. उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, जिसको हम लोग फ्लावर हेड बोलते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो डिसाइड्स टू टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस. तो इसमें दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपको मिल गए, रेसिमोज और साइमोज. तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है, जो मेन एक्सिस है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, और फ्लावर्स दे आर बॉर्न लैटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन. ये आपका मेन एक्सिस बढ़ रहा है और फ्लावर्स जो हैं आपके बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे बनता रहेगा. हम आपको पहले बोले एक्रोपिटल का मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करना. तो ये बेस ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ से वो ऊपर बढ़ते जाएगा फ्लावर्स और ये एक्सिस भी बढ़ते चले जाएगा. इस टाइप का जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. अब ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है और ये सब इधर ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. अब इसके विपरीत एक दूसरा है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. उसमें जो मेन एक्सिस है दैट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, मतलब वो अब बढ़ेगा नहीं और वहीं पे आपका सारा जो फ्लावर्स हैं वो बेसिपिटल अरेंजमेंट में, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, अब मान लीजिए ये एक्सिस पे ही खत्म हो गया, अब यही पे सारे फ्लावर्स आपको अरेंज करने हैं. तो एक ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, अब ये आगे तो बढ़ नहीं रहा है. दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल अरेंजमेंट. So this is called cymose inflorescence. अब यहाँ पे डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं. यहाँ देखिए cymose inflorescence, यहाँ जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर गया. देखिए ये जो है मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गया, ये है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. इसमें देखिए जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रहा है और बाकी फ्लावर जो है एक्रोपिटल फैशन में ग्रो करते रहेंगे. समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? यहां दो चीज जो आपको बताया गया है, साइमोज एंड रेसिमोज. हेलो, यस, अब यहाँ ना बॉटनी में बहुत सारा इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ाया जाता है, बट सिलेबस में आपका सिर्फ रेसिमोज और साइमोज दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको बस उसी को याद रखना है और कुछ कह नहीं सकते इसमें. ठीक है,
समझ में आई बात? तो यहाँ दिक्कत है आपको कोई इन दोनों में? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपको बताया जा चुका है। अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉल और पेडिसेल व्हिच इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, ये सब फिर से वही चीज है जहां पे आप या पेडिसेल, ये जब आप फूल को उठा के देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बेस पार्ट पे जो स्वोलन एंड है उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो फूल उठाइए और देखिए उसको। तो ये जो चारों तरफ के होल्स जो होते हैं, दे आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला क्या है? दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब सपोर्टिंग ऑर्गन्स। एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम क्या है? दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि आपको एंड्रोइसियम पहले बताया गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गाइनोइसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कैलिक्स और कोरोला जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? चार पार्ट थे आपके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है, उसके लिए एक टर्म नाम दे दिया गया आपको, पेरियंथ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरियंथ कहाँ दिखता है, तो आंसर इज लिली, लिली में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है लिली का पेरियंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब एक ही फूल में दोनों मौजूद है, मेल भी फीमेल भी, अब उसको क्या बोलेंगे? ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों मौजूद। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास मेल स्ट्रक्चर भी है एंड्रोइसियम और फीमेल गाइनोइसियम भी है। अब इसके विपरीत यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब उस फ्लावर में सिर्फ आपको आइदर मेल और फीमेल मिलेगा। ठीक है, तो आइदर गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम। ठीक है, समझ में आई बात? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब, थैलेमस का मतलब, पेरियंथ का मतलब, ये चार पार्ट, चार पॉइंट ही यहां से समझने हैं इस पैराग्राफ से। समझ में आई बात कि नहीं आई, बताइए जल्दी। yes, ठीक है, समझ में आया तब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब हम आपको रेडियल सिमेट्री बताए थे कि मल्टीपल प्लेन से वो डिवाइड कर सकता है, इक्वल हाफ। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब सिर्फ एक प्लेन में वो इक्वली डिवाइड करेगा। तो जब वो रेडियल सिमेट्री है, मतलब मल्टीपल प्लेन से वो डिवाइड कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको? एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री। और अगर एक प्लेन से ही सिर्फ काटेगा आधा भाग में, तो उसको बोलेंगे हम जाइगोमॉर्फिक। अगेन दीज आर टेक्निकल टर्म्स, कुछ नहीं किया जा सकता, आपको याद रखना होगा इसको, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called actinomorphic. यही बात हम बताएं आपको। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब आप समझे एनिमल किंगडम, कि दो इक्वल रेडियल हाफ्स में बटेगा किसी भी प्लेन में, मल्टीपल प्लेन्स में आप उसको बांट सकते हैं। ठीक है, सो अब इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, इसमें है ये एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड में है, चिल्ली में है और दतुरा में। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपको, हमेशा याद रखिए, मस्टर्ड, डटुरा, चिल्ली। समझ में आई बात?
अब उसी तरह आपका दूसरा है, when it can be divided into two similar halves in only one particular plane, so it is called zygomorphic. अभी zygomorphic flower आपको कहाँ दिखेगा? तो पी में गुलमोहर का पौधा आप देखिए, बीन कैसिया, ये गुलमोहर आप लोग के तरफ काफी दिख लगा पौधा मिल सकता है उधर, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो गुलमोहर में, ठीक है. अब उसके बाद तीसरा कंडीशन है, अब ये तो हो गया रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री. थर्ड इज एसिमेट्री, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ एनी वर्टिकल प्लेन, जैसे कि कैनवा, ठीक है. तो यहाँ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. सो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल सिमेट्री है, और एसिमेट्री मतलब वो इक्वल हाफ में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते. So that is present in canna. अब यहाँ examples पूछे जाते हैं आपसे. Match the following में तीनों तरफ दे देगा, बोलेगा match. Examples याद करना बेहद जरूरी है. समझ में आ गई बात? Yes. Hello. अब next समझिए, a flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous. When the floral appendages are in the multiple of 3, 4, 5, तो अगर तीन के मल्टीपल 3, 6, 9 इस टाइप के फॉर्म में उपलब्ध है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर. अगर 4, 8 इस टाइप के है तो टेट्रामेरस, 5 के में है मल्टीपल में है तो बोलेंगे पेंटामेरस. सो फ्लावर्स विद ब्रैक्स रिड्यूस्ड लीव फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट. ब्रैक्स का मतलब समझाया है यार, ब्रैक का मतलब है रिड्यूस्ड लीफ स्ट्रक्चर, पत्ता टाइप का है लेकिन वो छोटा होता है, ठीक है. तो पेडिसेल के पास आप देखिएगा छोटा पत्ता टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा फूल में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक. तो अगर ब्रैक दिख रहा है तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर फूल में नहीं दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट, ठीक है. तो देयर आर टू, अगर ये ब्रैक्स दिख रहे हैं तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. समझ में आई बात? ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट का मतलब, तो फूल उठाइए और सबसे पहले ब्रैक्स को ढूंढिए, किसी फूल में दिखेगा किसी फूल में नहीं दिखेगा. समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो. यस सर. अब नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लोरल पाथ्स ऑन थैलेमस कैसे है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोइसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एपिगाइनस. तो डायग्राम भी आपको देखते चलना है यहाँ पे. इन हाइपोगाइनस फ्लावर द जाइनोइसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट. सो ओवरी चूंकि ये ऊपर है तो इन सच फ्लावर्स इट्स सेड टू बी सुपीरियर ओवरी. एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड बैगन, ब्रिंजल, ठीक है. अब यहाँ पे डायग्राम अब आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए, ये जो आपका पार्ट है ये वाला पार्ट बाकी सबसे ऊपर है, ठीक है. जो सोलन पार्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको मैं लाल से दिखाता हूँ. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, इस पे फोकस कीजिएगा, जो येलो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है. येलो स्ट्रक्चर देखिए, वो यहाँ पे बाकी सब उसके नीचे से निकल रहा है लेकिन वो पार्ट ऊपर है, ओवरी ऊपर है. स्टेमंस देखिए, उसके नीचे से निकल रहा है, बाकी कैलिक्स कोरोला उसके नीचे से निकल रहा है, निकल रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है. तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या है, गाइनोइसियम जो है ओवरी जो है सुपीरियर है, ऊपर है, और बाकी सारे जो पार्ट है कैलिक्स कोरोला और एंड्रोइसियम वो नीचे से निकलेंगे उसके, ठीक है. तो ऐसा आपको मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में मिल रहा है. अब दूसरा आप देखिए, इफ गाइनोइसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर
And other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level. ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं पेरिगाइनस. तो यहाँ पे पेरिगाइनस है मतलब ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर हो गया, हाफ इंफीरियर. ठीक है, तो पहला केस में हाइपोगाइनस में ओवरी क्योंकि ऊपर था तो उसको हम लोग यहाँ देखिए ओवरी ऊपर है बाकी सब नीचे है स्ट्रक्चर्स, इसलिए उसको सुपीरियर ओवरी बोल रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाकी सारे स्ट्रक्चर और ओवरी एक ही लेवल से निकल रहे हैं, बी और सी में देखिए एक ही लेवल से निकल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेरिगाइनस या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी. तो दिस एग्जांपल इज प्लम, रोज एंड पीच. गुलाब का पौधा आप घर वर में लगाते होंगे तो देख सकते हो वहां पे. उसके बाद तीसरा लास्ट कंडीशन आता है ये एपिगाइनस फ्लावर. ठीक है, सो इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली. अब यहाँ पे देखिए ओवरी जो है एकदम अंदर है, कंप्लीटली इसके अंदर है, देखिए अंदर है ओवरी, अंदर है. ठीक है, और जो बाकी सारे पौधे हैं वो उसके ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर से ग्रो कर रहे हैं. तो ओवरी यहाँ पे क्या हो गया, नीचे है, बाकी सारे जो है ऊपर है, इसको बोलते हैं ओवरी इंफीरियर ओवरी. ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. इंफीरियर ओवरी सीन इन ग्वावा अमरूद, ककंबर, खीरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर जो एग्जाम में पूछता है. अब जो पूछेगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में किस तरीके का ओवरी का पोजीशन है, सो ओवरी इज इंटीरियर मतलब ओवरी नीचे है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रॉइड से वो ऊपर है. ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये डायग्राम देख के, एक बार फिर से आप डायग्राम ही देख के समझिए. यहाँ ओवरी जो है ऊपर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर नीचे से निकल रहे हैं, तो ओवरी सुपीरियर. इन दो कंडीशन में ओवरी और बाकी सारे स्ट्रक्चर से एक लेवल से निकल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पेरिगाइनस, ओवरी इज हाफ इंटीरियर. तीसरे कंडीशन में ओवरी नीचे है बाकी सारे स्ट्रक्चर ऊपर है, तो दिस इज कॉल्ड एपिगाइनस एंड ओवरी इज इंटीरियर. समझ में आई बात, और ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन बनता है इससे, इससे काफी इंपॉर्टेंट है ये. समझ में आई बात कि नहीं है? हेलो, यस. तो यहाँ पे यही चीज समझना है आपको, ओवरी का पोजीशन देखिए, अगर ओवरी सबसे ऊपर है बाकी सारे नीचे हैं तो दैट इज हाइपोगाइनस, अगर ओवरी और बाकी सारे कैलिक्स कोरोला और एंड्रॉइड से हम एक लेवल से ग्रो कर रहे हैं तो पेरिगाइनस, और अगर ओवरी नीचे है और बाकी सारे उसके सर के ऊपर से ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज एपिगाइनस. बस यहाँ यही याद रखना है. अब नेक्स्ट चलिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल होल्स, ये आपको पहले ही बताया गया, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम. ठीक है, तो एक एक करके आप समझिए कि ये कैसे होता है. तो सबको देखिए कैलेक्स, तो कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट जो आपको होल्ड दिखेगा फ्लावर का, जिसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं, उनके मेंबर्स को. ये आपको हरा रंग का दिखेगा पत्ता, ग्रीन लीफ लाइक, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का. इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज, जब फ्लावर फ्लावर नहीं है कली है, तब उस दौरान ये जो कैलिक्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो फूल उठाइए, उसमें जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है आपको वो कैलिक्स है. ठीक है, अब जो गेमोसेपल्स है, गेमोसेपल्स का मतलब क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं वो एक यूनाइटेड हो सकते हैं या तो फिर अलग अलग हो सकते हैं. तो अगर यूनाइटेड है तो उसको हम गेमोसेपल्स बोलते हैं, और अगर सेपल्स जो हैं फ्री हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेपल्स. ठीक है, तो ये जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम बार बार कह रहे हैं. ठीक है, आपको सेपल्स देखना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि
अलग अलग है कि एक साथ है? अगर एक साथ है तो गेमोसेफलस, अलग अलग है तो पॉलीसेफलस। उसी तरह ये दूसरा कोरोला विच इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, तो सेपल्स के बाद आता है पेटल्स। तो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, ठीक है। कलर क्यों होता है ये? लाल पीला दिखता होगा आपको, तो कलर बिकॉज पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है। सो लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी यूनाइटेड, ठीक है। तो अगर पेटल्स यूनाइटेड है उसको बोलते गेमोपेटलस, अगर फ्री है पॉलीपेटलस। तो फ्री है इसका मतलब वो एक से ज्यादा है, इसलिए उसको हम टर्म पॉली का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीसेफलस, पॉलीपेटलस। और अगर एक है, फ्यूज्ड है, एक है यूनाइटेड है, तो उसको हम गेमो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गेमोसेफलस, गेमोपेटलस, ठीक है। इस टाइप से हम इसको नामकरण करते हैं। अब यहाँ पे अब आप ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर का डायग्राम आप देख सकते हो। ये आपका फ्लावर है, नीचे का हिस्सा पेडिसल कहलाता है, और ये हरा वाला जो स्ट्रक्चर आपको नीचे में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। ये ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हो कोरोला, फिर आपको गाइनोइसियम दिख रहा है, फिर ये ऊपर में आपको एंड्रोइसियम दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग करके दिखा है, ये आपका कैलिक्स हो गया ग्रीन, ये कोरोला ब्राइट कलर, एंड्रोइसियम आपको दिख रहा है, और ये आपका गाइनोइसियम, ठीक है। तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर्स, आपको जब आप फूल को अलग अलग करके देखिएगा किसी भी फूल को, तो आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, ठीक है। जो कोरोला है इसका शेप अलग अलग हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, बेल शेप मतलब इस टाइप का फनल शेप हो सकता है, ठीक है। तो फनल ऐसा होता है, फनल टाइप, इस टाइप फनल है, या फिर ये ऐसा ऐसा हो सकता है फनल टाइप, ठीक है। उसके बाद व्हील शेप हो सकता है, इस टाइप, इस मतलब अलग अलग शेप आपको कोरोला के मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेप एंड कलर ऑफ विच होल्ड ऑफ फ्लावर वैरीज वाइडली इन प्लांट, ठीक है। आपके पास आंसर है कोरोला, ठीक है। समझ में आई बात? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? हेलो, नो सर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एस्टिमेशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्टिमेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to other members of the same world is called estivation, ठीक है। कहने का मतलब आप कैलिक्स और कोरोला को, सेपल्स और पेटल्स को आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार तरह का आपको दिया हुआ है, देखिए। The main types of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. So when sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin, अब दोनों डायग्राम देखिएगा, ये वाला डायग्राम भी और ये डायग्राम, यहाँ पे मार्जिन को टच कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे टच कर रहा है, मतलब समझ जाइए कि वो जैसे आप लोग गेम खेलते थे, एक का एक हाथ पकड़ के आप गोला बनाते हो, सोच लीजिए वैसा बना रहे हैं आप, ठीक है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है सेपल्स या पेटल्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उटरलैपिंग इट इज कॉल्ड बैलबेक,
और इसका एग्जाम्पल आपको किसमें मिलेगा, कैलोट्रॉपस। समझ में आई बात, ये चीज समझ में आ गया आपको वेलवेट। यहाँ पे भी आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ना अलग अलग, ऐसा लग रहा है जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ओवरलैप नहीं है, देयर इज नो ओवरलैप। अब ये वाला जब पार्ट समझिएगा तब आप दूसरा डायग्राम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरलैप हो रहा है, देखिए थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे ओवरलैप, यहाँ देखिए ओवरलैप है। हाँ यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हैं कि वोल्ड एक दूसरे को यहाँ पे पेटल्स जो है आपका ओवरलैप कर रहा है। So if one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, जैसा कि चाइना रोज में देखने को मिलता है, भिंडी या कॉटन में देखने को मिलता है, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, उसको हम लोग ट्विस्टेड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप पॉसिबल है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिक्यूलर डिरेक्शन, मतलब कैसे भी ओवरलैप कर रहा है इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ देखिए इधर एक ओवरलैप किया, इधर ओवरलैप किया, दोनों का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है, देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको ओवरलैप करता हुआ मिलेगा। यहाँ डायरेक्शन कुछ भी है, यहाँ एनी डायरेक्शन में ओवरलैप है, यहाँ वन डायरेक्शन में ओवरलैप है, ठीक है, दोनों में अंतर है, तब हम इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम और ये डायग्राम को ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा आपको, और ऐसा आपको कैसिया और गुलमोहर में देखने को मिलेगा। अब आता है वेक्सिलरी चौथा वाला। सो इन पीस बीन्स देयर आर फाइव पेटल्स, पांच पेटल होते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। वो क्या करेगा, उसके नीचे दो है उसको ढक लेगा, ठीक है, सो इट विल ओवरलैप द टू लैटरल पेटल्स जिसको हम लोग बोलते हैं विंग्स। अब ये विंग्स क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कील। तो इसका कहने का मतलब ये क्या क्या हो गया, टू प्लस टू प्लस वन, so this is 2 plus 2 plus 1, ठीक है, 2 plus 2 plus 1, ये जो 5 petals का arrangement है 2 plus 2 plus 1, so this is called papilionaceous, क्योंकि इस flower में आप इस family में मिल रहा है ये, और या फिर इसको technically vexillary कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ clear cut ये diagram से आप समझ सकते हैं estivation जो है corolla का। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, एज टू एज जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या, वन डायरेक्शन में आपके जो ओवरलैप हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्विस्ट। एनी डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और लास्ट में टू प्लस टू प्लस वन अरेंजमेंट में आपका फ्लोरल, मतलब दो छोटे उसको कवर करके दो उससे बड़े होंगे, फिर उसको कवर करने के लिए एक और बड़ा सा होगा, तब इस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 1 अरेंजमेंट को हम लोग पैपिलियोनेशियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलेंगे, विच इज सीन इन पीज बीन्स एक्सेट्रा। ये जो आपका सबसे बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है स्टैंडर्ड, वो जिसको कवर कर रहा है उसको विंग्स, और फाइनली लास्ट में जो छोटा वाला जो कवर्ड है उसको बोलते हैं कील। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आप चार ऑप्शन बना सकते हैं और मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका एस्टिमेशन। आपको एग्जाम में या तो मैच द फॉलोइंग में दे देगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन जो होता है ये देना चाहिए, या तो ये डायग्राम उठा के दे देते हैं, चार उठो डायग्राम बना देंगे, पूछेंगे बताओ यार कौन सा है ये, या ये डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे, कोई भी एक को निकाल के पूछ देंगे और बोलेंगे कौन सा है, तब आपको देख के समझना है, इसलिए डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्लियर, समझ में आई बात।
ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई चीज समझना है आपको एस्टिमेशन वाले हिस्से में? हेलो 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 तो ये है आपका एस्टिमेशन वेयर कोरोला का आप अरेंजमेंट देखते हो किस किस तरीके से कोरोला हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो धीरे धीरे ही करना है और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, प्लस ये चाटू भी है, हम आपको बार बार कह रहे हैं वेरी बोरिंग, इतने सारे टेक्निकल टर्म्स यहाँ आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे कि आदमी कंफ्यूज रहता है। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिएगा तब जाके आपको एग्जाम में याद आएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, खासकर फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ चैप्टर वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चैप्टर से तीन से चार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस ओके, बाय बाय।